हेलो बड़ी हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग क्या हाल चाल और बवाल आप लोग आई होप सो एवरीवन इज गुड बीइंग फैंटेस्टिक जोरदार हो जबरदस्त हो शानदार हो खतरनाक हो मजे में हो मोजे में हो जल्दी से आ जाइए आज, आज, आज अपने को इस टॉपिक को कंप्लीट करना है ठीक है ना ये पंखा चालू करना ना दो नंबर का बटन दबाना दो नंबर का हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू फ्रेंड्स माई डियर फ्रेंड्स हाउ आर यू I hope so everyone is good! अभी तक मैसेज सीन नहीं करा किसका मैसेज बेटा ए बेटे बुस्बा कहा बोल रहे हो कहा बोले हो भैया सर आज मेरा फर्स्ट डे है क्या बात है रिया जी पहला दिन है आपका क्यों भैया इतने दिन से कहाँ थे आप आ? कहां थे आप यहाँ पे यहाँ नहीं थे तो कहाँ थे आप ये पाप है बेटा ऐसा नहीं करना चलो शुरू करूं मैं बाकी लोग ज्वाइन होते हैं शुरू करते हैं चलिए यार सर पुणे में ठंडी कैसी है इतनी नहीं है यार पुणे की ठंडी इतना नहीं है लग रही है ठंडी चलिए अभी अपन टर्शरी सेक्टर में आ जाते हैं कहाँ पे बात करेंगे टर्शरी सेक्टर विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर कल से अपन नया चाप चालू करेंगे सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो दीक्षा सिंह क्या रिप्लाई नहीं किया बेटा मैंने तेरा दीक्षा सिंह सर आप भी घर से ही लेक्चर ले रहे हो नहीं नहीं बेटा मैं अकेडमी आया हूँ मैं निकल गया था सुबह ही निकल गया था तो पहुंच गया मैं अकेडमी बेटा चलो मुझे नहीं करनी आपसे बात मेरा मैसेज ही नहीं देखते अंजलि जी अरे ऐसे गुस्सा क्यों करते हो सर आज ही रजिस्ट्रेशन करना है वेरी गुड बेटा लगा हुआ है तू नालायक आदमी टर्सरी <laughs> सेक्टर पे आ जाओ चलो देखो यार टर्सरी का मतलब होता है सर्विस सेक्टर है ना टर्सरी का मतलब कौन सा बेटा जी आपका टर्सरी सेक्टर और इंडिया में अब टर्शरी सेक्टर क्या है बेटा जी आपका डोमिनेट कर रहा है हमारे यहाँ पे अभी टर्शरी सेक्टर क्या कर रहा है बेटा जी डोमिनेट कर रहा है मतलब सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये क्या है बेटा जी आपका इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूं टर्शरी सेक्टर के अंदर हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं सर्विस सेक्टर में जैसे हमने क्या एक्सपोर्ट किया पता है हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं

अगस्त 2021 सितंबर में थोड़ा कम हुआ बट अगस्त में अगर देखोगे तो बहुत ही यू uh, नो you know, अच्छा आपका मैनेजर इंडेक्स है बेटा अच्छा मैंने आपको बताया था कि सर्विस इंडस्ट्री जितना अच्छा काम करेगी उतना हमारा सेगमेंट अच्छा अच्छा मतलब हमारी कंट्री अच्छा काम करेगी क्योंकि सर्विस सेक्टर एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट आ गया बेटा बहुत ही एक उम्दा और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट आ गया सर्विस इंडस्ट्री अब इसके अंदर की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं बेटा <coughs> कि किस तरीके से सर्विस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ अगर हम उसकी बात करते हैं तो चलिए आ जाओ आ जाइए बाबू जी आ जाइए बेटे पुष्पा जी बेटी पुष्पा जी आइए जी बेटा जी है ना जब हम बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्री की तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा जी है ना मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना सर मैं रजिस्ट्रेशन किया हूँ तो रजिस्ट्रेशन शीट नहीं मिला रजिस्ट्रेशन शीट नहीं मिलता बेटा बुक्स आती है ओके अब देखो यार सबसे पहले सर्विस सेक्टर की मैं बात करूं तो इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट इज इंक्रीज बाय 23 हमारा सर्विस का इक्कीस की अगर हम बात करें, करें मेरी जान पान की दुकान तो जुलाई इक्कीस में क्या हुआ है? इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट पे इंक्रीज हो गया बेटा फोर्टी से इंक्रीज हुआ हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट भी हमारा क्या हुआ है दोस्तों

ओके okay, उसके बाद बोला गया कि सैटेलाइट एलन मस्क हम जानते ही एल एन मस्क को कौन नहीं जानता एलन मस्क को भैया तो उन्होंने स्पेस एक्स जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी है क्या ऑर्डर एक्सेप्ट करने फॉर द बीटा वर्जन ऑफ इट्स स्टार लिंक सेटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया है ना स्टार लिंक इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट कर दिया है किसने बेटा जी अप्रैल 2021 ने एलन मस्क ने अपना एलन भैया मस्क भैया अच्छा उसके बाद क्या बोला गया है एक आता है दोस्तों इग्नाइट के बारे में पूछा जाता है इग्नाइट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय बीएमजेड एमएसडीई टू एनकरेज हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन अच्छा इग्नाइट का एग्जाम क्या आएगा बेटा बात समझना बेटा क्या आया हुआ है? पूछेंगे आपको कि इग्नाइट प्रोग्राम किस चीज के लिए लॉन्च किया गया तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या लॉन्च किया गया बेटा? आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि लॉन्च एजुकेशन तो आप क्या बोलोगे इग्नाइट अच्छा फिर भारतीय एयरटेल ने भी अपना क्लाउड कम्युनिकेशन मार्केट स्टार्ट किया है और उन्होंने क्या लॉन्च किया एयरटेल आईक्यू क्या लॉन्च किया बेटा जी एयरटेल आईक्यू आईक्यू का मतलब क्या हो गया एयरटेल आईक्यू का मतलब क्लाउड सर्विस जैसे आईफोन का अपना क्लाउड है माइक्रो आपका सारा डेटा कहाँ सेव होता है क्लाउड में इसीलिए कुछ भी जो देखते हो ना तुम सालों नालायक हो ध्यान रखना जो भी तुम देख रहे हो ना इंस्टाग्राम के ऊपर गंदे गंदे पेजेस जो तुम फॉलो करते हो लाइक करते हो ना तुम्हारा पूरा डेटा क्लाउड में सेव हो रहा है मैं बता दे रहा हूं भाई साहब तो देख जो भी चीजें तुम देखते हो है ना इनकॉनिटिव मोड ओवन करके भले ही तुम्हारी हिस्ट्री नहीं दिखती है लेकिन तुम्हारा डेटा कहाँ सेव हो रहा है हाँ क्लाउड में सेव हो रहा है तो ध्यान से देखे ने का बेटा अच्छा गवर्नमेंट ने दो स्कीम लाई अच्छा पहले ये समझना देखो दो हजार, अभी कुछ कुछ पॉलिसीज़ के ईयर हमको याद रखने सी 2015 में आई थी टूरिज्म पॉलिसी 2015 में क्या आई बेटा टूरिज्म पॉलिसी 2017 में आई कौन सा हेल्थ पॉलिसी 2017 में कौन सी पॉलिसी आई बेटा हेल्थ पॉलिसी हम लोगों ने लेके आई फिर 2000 देखो 15 याद रखना 15 में क्या आया टूरिज्म 17 में क्या आया हेल्थ पॉलिसी फिर 17 के बाद हमने 18 में क्या लाया कम्युनिकेशन पॉलिसी और 20 में 2020 में हमने लाया एजुकेशन पॉलिसी कैसे याद करोगे सुनो पन, जब मैं पंद्रह का था घूमने गया था जब मैं कहा था पंद्रह का था घूमने गया था <coughs> सो पंद्रह में घूमने गया मतलब टूरिज्म पॉलिसी है ना पूरी टूरिज्म पॉलिसी आ गया जब मैं सत्रह का था तो मेरी हेल्थ खराब हुई हेल्थ खराब हुई हेल्थ हेल्थ पॉलिसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी अट्रआ का हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड बनी तो उससे मैं घंटों घंटों घंटे की बातें है घंटों घंटों बातें करता हूं मतलब कौन सा पॉलिसी कम्युनिकेशन पॉलिसी डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी और 20 में आखिर में मैंने सोचा गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दिया तो मैंने सोचा कि पढ़ाई ही करना पड़ेगा वही मेरे साथ चलेगा तो 2020 में क्या ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल कौन सा पॉलिसी बेसिकली एजुकेशन जिसके अंदर अब क्या सेगमेंट लेके आ रहे हैं हम लोग पांच तीन तीन और चार फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ऐसा सेगमेंट हम लेके आ रहे हैं मतलब पहला पांच साल प्राइमरी फिर थोड़ा प्राइमरी से सेकेंडरी में फिर यहाँ पे हायर एजुकेशन ऐसा इस तरीके से हम लेके आ रहे हैं पांच साल तीन साल तीन साल और चार साल ऐसे पंद्रह साल ऐसी हम क्या लेके आ रहे हैं बेटा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं तो क्या याद रखोगे चार साल कैसे याद रखोगे बताओ बेटा सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है तुम्हारी सासू का माथा हो जाएगा जल्दी से लाइक कर दो वरना देख लेना भगवान देख रहा है पाप लगेगा तुमको हाँ जी बोलो सबसे पहले हम क्या लाए हैं बाबू पंद्रह में क्या लाए हैं हम घूमने गए घूमने गए मतलब क्या लाए टूरिज्म पॉलिसी फिर सत्रह में हम बीमार हो गए तो क्या हुआ हेल्थ पॉलिसी सत्रह में फिर अठारह में गर्लफ्रेंड बनी तो उससे बतिया रहे थे बतिया रहे थे मतलब कम्युनिकेशन अठारह में लेकिन उसने धोखा दिया ससुर के नाती ने क्या दिया धोखा दिया तो मैंने सोचा अब तो पढ़ना पड़ेगा तो 2020 में क्या आया पढ़ाई मतलब एजुकेशन पॉलिसी अच्छा एक और स्कीम हमने लाई कि सर्विसेज एक्सपोर्ट रिवॉर्ड भी देंगे तीन से पांच परसेंट का रिवॉर्ड देंगे रिवॉर्ड मतलब क्या डिस्काउंट देंगे कितने परसेंट का तीन से पांच का हम आपको क्या देंगे भैया रिवॉर्ड भी देंगे डिस्काउंट भी देंगे ठीक है ना सो so, क्या बोला है मेरी जान पान की दुकान ओ बाबूजी क्या बोला है बोलो मेरी जान पान की दुकान बताओ ना बोलते क्यों नहीं बोलो ना हाँ जी तो दिस इज वॉट बेटा आपका नेशनल ये सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम अच्छा इसमें क्या मिलेगा इसका स्कीम का मतलब क्या है कि भैया तुम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करो क्या करो एक्सपोर्ट करते हुए जाओ चलिए बहुत बढ़िया अब कुछ गोल रखे हैं हमने हेल्थ पॉलिसी के गोल क्या रखे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जानी चाहिए कितना हो जाना चाहिए सत्तर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज एक बंदा कितने साल तक जिंदा रहेगा ठीक <coughs> है फिर बोला है रिड्यूस अंडर फाइव मोर्टेलिटी टू ट्वेंटी थ्री बाई एंड एम मतलब मदर मोर्टेलिटी रेट बिलो वन बाय टू थाउजेंड इन्फंट mortality रेट मतलब बच्चे जो मर जाते हैं ना छोटे बच्चे उसको बोलते हैं infant mortality रेट वो रिड्यूस करना है कितना 28 कैसे रिड्यूस करना है 28 तक जाना है और मटर्नल मतलब मम्मी मर जाती है ना उसको रिड्यूस करना है कितना रिड्यूस टू 100 नहीं है रिड्यूस टू वन है एक्चुअली गलत लिखा हुआ है रिड्यूस टू वन करना है तो ऐसे हमारे कुछ गोल थे एक बार इसको पढ़ के छोड़ देना बेटा जी है ना ईयर ये ये याद रखना मेन तो ईयर ही पूछा जाता है ईयर ही ज्यादा पूछा जाता है बेटा अच्छा एफडीआई पॉलिसी ध्यान देना बेटा एफडीआई पॉलिसी मतलब क्या फॉरेन

हर ंड्रेड परसेंट अलाउड है हर जगह कितना अलाउड है? है जहां हंड्रेड परसेंट अलाउड नहीं है वो सिर्फ याद रखना है जैसे टेलीकॉम सेक्टर पहले उधर कितना था सेवेंटी फोर परसेंट अब कितना कर दिया है हंड्रेड परसेंट पहले कितना है बेटा सर कब एक बार खत्म हो जाने तो सिलेबस खत्म होने के बाद मैं डिस्कस करूंगा आपको भेज भी दूंगा अच्छा पहले एफडीआई कितना परसेंट अलाउड था बेटा

परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है किसके अंदर ऑटोमेटिक रूट में तो मुझे बताओ टेलीकॉम अच्छा, से 49 किसका है? और 49 के लाना है, तो क्या लगेगा अप्रूवल रूट अप्रूवल रूट मतलब किसका परमिशन लगेगा गवर्नमेंट का ठीक है फिर 100% परसेंट एफडीआई अलाउड कर दिया रेलवे सेक्टर फॉर ऑफ प्रोजेक्ट कुछ प्रोजेक्ट है रेलवे के उसके अंदर 100% परसेंट एफडीआई अलाउड कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के लिमिट इंक्रीज कर दिए कितना 26 से कितना कर दिया है 49 परसेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसके अंदर एफडीआई की लिमिट अब कितनी है 49 और जो इंश्योरेंस बेचती है जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडियरी एक होती है इंश्योरेंस करवाती है और एक होती है इंश्योरेंस बेचती है पॉलिसी बजार डॉट कॉम इंश्योरेंस बेचती है एमेजॉन डॉट कॉम इंश्योरेंस बेचती है करवाती नहीं है इंश्योरेंस बेचती है एल आई सी इंश्योरेंस करवाती है जी आई सी इंश्योरेंस करवाती है तो जो इंश्योरेंस बेचती है ना उसमें हंड्रेड परसेंट एफ डी अलाउड है और जो इंश्योरेंस करवाती है उसमें अलाउड है। गॉट द पॉइंट बड़ा गॉट द पॉइंट बेबी अच्छा मोदी जी ने एक सौ सत्तावन नए मेडिकल कॉलेज ओपन करवाए कितने एक सौ सत्तावन नए मेडिकल कॉलेज हमने ओपन करवाया भाई साहब 157 न्यू कॉलेजेस हमने ओपन करवाए वन हंड्रेड एंड कितने 57 नए कॉलेजेस हमने मेडिकल कॉलेजेस अपन ने इनके ओपन करवाया है बेटा उसके बाद में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लॉन्च किए ये तो ठीक है अच्छा महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप टू एंपावर स्टूडेंट एंड बुस्ट स्किल डेवलपमेंट उसका फेज टू स्टार्ट किया है क्या स्टार्ट किया फेज टू सर जीआईसी नॉन लाइफ इंश्योरेंस करवाती है हाँ इंश्योरेंस तो करवाती है ना मैंने ये नहीं पूछा कि इंश्योरेंस करवाती है कि नहीं करवाती है मैंने ये पूछा कि इंश्योरेंस देती है ना वो तो लाइफ का नॉन लाइफ का वो अलग बात है ओके okay, उसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये सब कोविड का परिणाम है भैया ये सब क्या है बेटा कोविड का परिणाम है है ना कोविड की वजह से ये सारी चीजें चालू हुई है बता रहा हूं मैं आपको <coughs> अच्छा एफटी का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने यूके के साथ क्या ज्वाइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब फ्रीली यूके के साथ हम फ्रीली ट्रेड करेंगे वो भी हमको माल बेचेंगे हम भी उनको माल बेचेंगे इंश्योरेंस वाला पढ़ लिया आँपने. अच्छा इंटरनेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सात हजार करोड़ का बजट दिया क्या बढ़ाने के लिए इंटरनेट बढ़ाने के लिए साला इंटरनेट पे क्या क्या देखते हो गए तुम लोग हैं इंडिया में इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ इंटरनेट सेकेंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ़ इंटरनेट सर हम तो आपके लेक्चर देखते हैं झूठ मत बोलो सालो हमारे लेक्चर के अलावा भी तुम बहुत सारी चीज़ें देखते हो मुझे पता है ना मेरे को सब मालूम है भैया मेरे से कुछ नहीं छुपा बाबू हाँ सब मालूम है हम सब ध्यान रखते हैं बेटा तुम्हारा तुमको लग रहा होगा बेटा हम सब ध्यान रखते हैं बेटे तुम्हारा समझ रहे हो क्या समझ रहे, हो के समझ रहे हो के ओके, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका फुल फॉर्म आएगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर हमने 600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 300 प्लस स्किल कोर्सेस हमने लॉन्च किए प्रधानमंत्री क्या कौशल विकास योजना हम विकास की बात करेंगे मित्रों किसकी बात करेंगे मित्रों विकास की बात होगी मित्रों विकास की विकास 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 सर आप भी देखते हो क्या नहीं बेटा देखता था <laughs> चलिए बस अच्छी अच्छी लड़कियों को देखते हैं सो हम साले पढ़ ले लड़कियां देखना बड़ा बंद कर दे थोड़ा सा बेटा पढ़ाई कर ले बाबू चलिए ठीक है अब ये देखो इधर भी बहुत सारा डेटा है इसको भी आप पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है अच्छा अभी यार एग्रीकल्चर पॉलिसी देखो इंडिया में ना इंडिया में अगर हम बात करें पॉलिसीज की तो सबसे पहले फाइव ईयर प्लान पांच साल के जो प्लान होते हैं बेटा सर आप ज्यादा सोच रहे हैं हम लोग सिर्फ लेक्चर देखते हैं ना दीक्षा ढोकली सब मालूम है बेटा मेरे को मेरे को सब मालूम है बेटे क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था हाँ है ना पानी पिलाओ इस बात पे बेटे सर तो अभी लाइव देखते होंगे सर तो अभी लाइव देखते होंगे देखते होंगे नहीं करते होंगे अवे सोहम गंदा आदमी ओके यहां तक ठीक है बाबू मनालीसा देखा क्या सर ने तेरा दे देखा 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 अरे लाया 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 ना ना। चलो आगे बढ़ते हैं चलो गंदे लोग हो बड़े तुम अच्छा हमारे यहाँ पे पांच साल की प्लानिंग होती है ये तो बताया ना आपको कितने साल की प्लानिंग होती है ईयर अंजलि बोलती है मिश्रा छीछी गंदी बातें करते हो क्या गंदी बातें की बेटा हमने क्या गंदी बातें करी भैया मैंने तेरा दिमाग गंदा मैंने कुछ गंदा बोला अभी तक मैंने कुछ भी गंदा नहीं बोला है तुम दिमाग गंदा हो चुका है ये अंजलि का दिमाग कल्प्लीट कल्प्लीट हो गया बेटा बता रहा हूं ना सोच खराब हो गई तुम्हारी सोच खराब होगी बाकी कुछ नहीं बेटा अंजलि जी क्या करेंगे बताओ ऐसी सोच को लेके देख रहे हो ना विनोद हे भगवान देख रहे हो ना आप कैसे कैसे बच्चे हैं और क्या क्या सोचते हैं मैं कुछ बोलता भी नहीं उसके पहले भी कुछ सोच लेते हैं और कुछ लोग तो ऐसे जो क्या बोले रे भैया रोना आता है मेरे को आजकल बताओ चलो ठीक है पढ़ाई करते हैं सर मैं बच्ची हूं मुझे कुछ नहीं पता है हाँ, ना जो ऐसा बोलता उसको सब मालूम रहता है सब पता रहता है उसको बेटा जो मैं बोला ना उसके पहले ही तू आगे सोच लेती है गंदी लड़की चलिए अच्छा देखो यार हमारे यहाँ पे पांच साल की प्लानिंग होती है और प्लानिंग करने का काम किसका हमारा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया किसका काम है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कब आया 1951 से लेके 56 1951 से लेके कितना बेटा 56 जिसके अंदर हमारा मेन फोकस किसके ऊपर था एग्रीकल्चर और हमने बजट का 31 परसेंट किसके ऊपर लगाया एग्रीकल्चर पे पालक पनीर ठीक है ओके okay. चलिए तो सबसे पहला जो है 1951 से लेके 56 बराबर कौन सा प्लान था वो एग्रीकल्चर प्लान कौन सा प्लान था मेरी जान एग्रीकल्चर प्लान है ना उसके ऊपर पहले फोकस एग्रीकल्चर पे किया गया था 31% किसके ऊपर लगाया पैसा हमने दीक्षा तेरी दिशा खराब कर दूंगा बेटा मैं आओगे नेक्स्ट वन दूसरा सेकंड फाइव ईयर प्लान जो था ना उसमें सिर्फ 20% हमने एग्रीकल्चर पे लगाया बाकी हमने किस पे लगाया मैन्युफैक्चरिंग में पहले में क्या याद रखो कि फर्स्ट प्लान में थर्टी वन परसेंट किस पे लगा एग्रीकल्चर पे दूसरे में कितना लगा सिर्फ बीस परसेंट ही लगा मतलब मेजर किस पे लगाया गया मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे के अंदर क्या हुआ ना थर्ड फाइव प्लान में सो साला हुआ नहीं इतना एक्चुअली थर्ड फाइव प्लान में हमारा झगड़ा हो गया था किसके साथ पाकिस्तान के साथ इंडो पाक वॉर हो गया 1965 में और चाइनीज के साथ हमारा अग्रेशन हो गया 1962 में साले चाइना वाले वैसे आज भी न्यूज देखी होगी आपने तो पता चला होगा आपको है ना चाइना वाले 300 सैनिक चाइना के आगे आगे हमारे अंदर घुस रहे थे तो वैसे हमारे सैनिक हमारे जवानों ने खदेड़ दिया उनको लात घुसे मार के बाहर निकाला है अपनी यहां से ठीक है मतलब करते रहते हैं कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं ढोकले कहीं के सो so, कहने का मतलब यह है बेटी बेटी पुष्पा कहने का मतलब यह है बाबू कि हम तो यही कहते हैं हम तो यही बोल रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है तो जो चाइनीज का अग्रेशन हुआ तो थर्ड फाइयर प्लान इतना सक्सेसफुल नहीं रहा हमारा थर्ड फाइयर प्लान हमारा क्या नहीं रहा बेटा इतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा रीजन बिंग वेरी सिंपल क्योंकि शादी हो गई शादी नहीं हुई बेटा लड़ाई हो गई ना चलिए फिर फोर्थ ईयर प्लान का हमारा पांच परसेंट का ग्रोथ का हमने टारगेट रखा था अच्छा एक फुल फॉर्म याद रखना एच वाई वी एच वाई वी मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स करेक्ट है तो उसके ऊपर हमने ध्यान दिया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का एरिया था ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा हरित क्रांति ठीक है वो याद रखोगे फिफ्थ ईयर प्लान आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा सिक्स ईयर प्लान नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा ईयर प्लान नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा अच्छा एट्थ ईयर प्लान में हमने एलपीजी लाया एलपीजी मतलब क्या लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और सर कोई सर चाहिए तो आपके जैसा चाहिए ऐसा क्या बेटी बा? ऐसा क्या बाबू है ना? चलो So, क्या बोला गया है बेटा जी सेकेंड फायर प्लान में क्या बोला गया बोलो तो सेकेंड फायर प्लान में बोला गया है सॉरी ये सब कट कर दो पांचवा छठा सातवा कट कर दो आठवें में हमने क्या लाया एलपीजी एलपीजी मतलब क्या लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या लाया हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़िया नाइन्थ फाइर प्लान के अंदर हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब लाई 2000 में याद रखना है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई 2000 में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई 2000 में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया टेंथ वाला भी आपको कट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा इलेवेंथ ईयर प्लान ये लास्ट प्लान हुआ क्योंकि ट्वेल्थ वाला आया था लेकिन उसको हमने क्या कर दिया था उसको हमने अबॉलिश कर दिया क्योंकि मोदी जी आ गए और मोदी जी ने बोला प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बहुत प्लान कर लिया तुमने निकलो चलो पहली फुर्सत में हम हम लेके आएंगे नीति आयोग क्या लेके आएंगे नीति आयोग तो उन्होंने क्या ला दिया नीति आयोग ला दिया नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हा बेबी जी सो इलेवें प्लान में ना हमने स्कीम लाई एक स्कीम लाई हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इसका फुल फॉर्म भी याद रखना ईयर भी याद रखना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उतना ही याद रखना आपको स्कीम कब आई बेटा बोलो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया ये 2007 में और उसका काम क्या था बेटा इसका काम था कि हम का हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़े हमारा क्या बढ़े दोस्तों फूड प्रोडक्शन बड़े हमारा ठीक है और बड़ा भी देखो वीट का प्रोडक्शन 70 मिलियन से कहा गया 80 पे पहुंच गया राइस का 89 से 99 नाएं पे पहुंच गया हालांकि बाद में वापस कम हो गया फिर पल्स का प्रोडक्शन 13 से 14 पे पहुंच गया हर इसमें 10 10 का इंक्रीज हो गया हर इसमें कितने का इंक्रीज हो गया 10 10 का इंक्रीज हो गया बेटा हर इसमें मतलब चलिए बहुत बढ़िया बेटा फिर बोला डिफरेंट डिस्ट्रिक्टेर एबल टू इंक्रीज दी फ्रूट बास्केट ओके फिर दूसरी स्कीम हम लाए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2008। 2007 में क्या आया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये कब आया 2007 में 2008 में क्या आया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ठीक है बेटे। ओके ठीक है ची बट्टे चलिए बारहवा प्लान हो ही नहीं पाया एक्चुअली क्यों नहीं हो पाया बारहवा प्लान क्योंकि फिर हमने क्या कर दिया 2015 में तो हमने लेके आ गया क्या नीति आयोग अच्छा 2022 के बजट में क्या क्या हुआ देखना एक सबसे पहले बहुत भारी चीज बता रहा हूं ये एग्जाम में आने ही वाली है इस बार इस बार आने ही वाली है मैं बता दे रहा हूं बेटा मैं बता दे रहा हूं आपको आने ही वाली है बेटी गुस्सेवा एक मिनट हाँ जी So, सबसे पहले क्या किया हमने 2.3 लाख 3.7 लाख करोड़ हमने डायरेक्ट पेमेंट किया फार्मर को ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वीट और पेड़ी के लिए हमने पढ़ा हुआ है केमिकल फ्री फार्मिंग ये भी हमने पढ़ा है नाबार्ड का वाला भी पढ़ा हुआ है ये देखो किसान ड्रोन भी हमने पढ़ा हुआ है ये याद रखना चौदह करोड़ आउटले फॉरवर्ड कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट कैन बिटवा लिंक प्रोजेक्ट मतलब क्या नदी जोड़ो क्या जोड़ो नदी जोड़ो जितनी भी नदियां हैं उनको जोड़ने का जो स्कीम लाया गया उसको क्या बोला गया कैन बिटवा प्रोग्राम ठीक है सर बाकी ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आ जाओ हमने तीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई हुई है कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई हुई है बेटा तीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई हुई है ये एग्जाम में आ जाता है सर ये प्राइमरी सेक्टर में पढ़ रखा है हाँ जी प्राइमरी सेक्टर में अपने पढ़ा था अच्छा अभी देखो यार अभी आ जाओ यहां पे बेटा इसको भी कट कर देना आप ये भी सब थेटिकल चीजें हैं कट कर देना अच्छा अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई बेटा नाइनटीन में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई बेटा नाइनटीन फोर्टी में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया बोलो 1948 में आया क्या पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये ध्यान रखना पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई बेटा 1948 में मैंने बोला ओके सर थैंक यू सर बड़ा मजा आ गया सर बड़ा मजा आ गया सर 1948 में लाया और 1948 में हमने इंडस्ट्री को चार पार्ट में डिवाइड किया इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कितने पार्ट में चार याद कैसे रखोगे याद रखने का तरीका भी बता रहा हूं एस बी I and other. क्या याद रखोगे एस बी आई एस फॉर वॉट स्ट्रैटेजिक बी फॉर वॉट बेसिक आई फॉर इंपॉर्टेंट एंड चार टाइप की इंडस्ट्री हमने बताई सर हमारा दुख दुख तो सुन लो बेटा दीक्षा और सुख में हम साथ है तू टेंशन नहीं लेना बाबू हम तेरे दुख में भी और हम तेरे सुख में भी साथ है तू टेंशन नहीं लेना रे बेटा देखो एक मिनट थोड़ा सा आ, ये कर लो क्या मेरा पेंसिल चार्ज हो रहा है तो थोड़ा सा होल्ड करना हाँ जी बाबू इक्की बाकी बाबू बेटी ओक्की बेटी ओके बेटी ओकी बेटी ओके बेटी चलिए बेटे ठीक है, है बेटे हाँ जी तो देखो सुनो सुनो सबसे पहले है क्या बोला गया ना बेटा बोला यह गया है बेटा सबसे पहले चीज मैं बता हूं आपको यह बताया गया है चार टाइप की इंडस्ट्री है पहली इंडस्ट्री है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री स्ट्रैटेजिक जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा सिर्फ कौन सा सेक्टर काम करेगा गवर्नमेंट और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज के अंदर बेटा टोटल मिला, मिला के तीन इंडस्ट्री कितनी इंडस्ट्री है टोटल मिला के तीन इंडस्ट्री तो पहला है आपका स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री फर्स्ट वन इज वॉर्ड बड़ी आपका पहला कौन सा बेटा जी आपका स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री हाँ जी पहली इंडस्ट्री कौन सी है आपकी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री क्या बोला गया है इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ कौन काम करेगा गवर्नमेंट का ही मोनोपोली है और इसमें कितना है बेटा तीन एक कौन सा आर्म्स एंड एनर्जी और रेल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजिक समझ में आ गया एवरीबडी मी जल्दी से स्ट्रैटेजिक समझ में आया क्या स्ट्रैटेजिक मगज में आया क्या स्ट्रैटेजिक दिमाग में गया क्या स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री की जब भी बात होगी बेटा उसमें तीन ही है कौन सी कौन सी अटोमिक एनर्जी उसके बाद में आम से एम्यूनेशन और रेलवे और उसके अंदर सिर्फ कौन है गवर्नमेंट बेटा सर्च में यार कितना बोरिंग है बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना ऐसे करके कैसे काम चलेगा मेरी जान ऐसे करके नहीं काम चलेगा बेटा पढ़ना तो पड़ेगा बेटी पुष्बा पढ़ना तो पड़ेगा चलिए दूसरा बेसिक इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री में छह इंडस्ट्री है डबल कर देना डबल कर देना कितनी इंडस्ट्री है छे और इस छे में हमने क्या बोला जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर थे ना इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको बोला तुम कंटिन्यू करो उसमें लेकिन न्यू नए लोग सिर्फ कौन से आएंगे गवर्नमेंट ही काम करेगी है ना नए वाले कौन आएंगे गवर्नमेंट ही काम करेगी किसी ने बोला सर रिपीट कर दो वापस से रिपीट करता हूं मेरी बात को ध्यान से सुनना यहां आ जाओ चलो 1948 में हमने इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया है चार पार्ट में कौन सी कौन सी याद रखोगे एस बी आई क्या याद रखोगे एस बी आई एंड अदर्स एस फॉर स्ट्रैटेजिक बी फॉर बेसिक और आई फॉर इंपॉर्टेंट याद रखने का तरीका भी बताता हूं स्ट्रैटेजिक में कितनी इंडस्ट्री है तीन तीन का डबल कर दो तो, बेसिक में कितना हो गया छे और तीन को छह से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें कितनी आ जाएगी अठारह ऐसे याद रखना है आपको अच्छा स्ट्रेटेजिक में सिर्फ और सिर्फ कौन है गवर्नमेंट और कोई काम कर ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगा दैट्स इट टाटा बाय बाय गुड बाय सी यू टेक केयर गुड नाइट स्वीट ड्रीम सिर्फ कौन काम करेगा गवर्नमेंट अच्छा बेसिक में क्या था ना ये देखो 1948 में आई तो 1948 के पहले कोई प्राइवेट कोई प्राइवेट अगर लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट लोगों को बोला प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बोला कि आप पुराने हो आप कंटिन्यू करिए लेकिन 1948 के बाद ये छह इंडस्ट्री में सिर्फ कौन काम करेगा गवर्नमेंट पुराने वाले तो करेंगे कंटिन्यू लेकिन अब नया गवर्नमेंट ही करेगा नया काम कोई भी प्राइवेट चालू नहीं कर सकता फिर अठारह वाला है अठारह वाले में कौन काम कर रहा है प्राइवेट काम कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या बनाती है कुछ रूल्स बनाती है और बाकी के अदर्स, अदर्स में कोई भी काम कर सकता है प्राइवेट भी कर सकता है और पब्लिक भी पब्लिक मतलब गवर्नमेंट पब्लिक मतलब गवर्नमेंट तो प्राइवेट भी और पब्लिक भी दोनों काम यहां कर सकते हैं गॉड द पॉइंट बड़ी हा या बहुत बढ़िया तो चार टाइप की इंडस्ट्री है बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रोल करती है अदर में प्राइवेट भी है और दूसरा भी अच्छा फिर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट क्या नाम है बेटा जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट क्या नाम है बोलो बेटा जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कौन सा नाइनटीन फिफ्टी वन एवरीबडी कौन सा है बेटा जी आपका सर ये क्या था इंडस्ट्री थी बेटा चार टाइप की चार टाइप की इंडस्ट्री थी बेटा वापस से सुन तेरे लिए वापस बता रहा हूं कौन सी कौन सी चार टाइप की इंडस्ट्री है पहली कौन सी है स्ट्रेटेजिक दूसरा कौन सा है बेसिक तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट चौथा कौन सा अदर स्ट्रेटेजिक में कितनी इंडस्ट्री हमने ला दी है तीन इसमें कितनी डाली है छह और इसमें कितनी अठारह बाकी के कहां पे आ जाएंगे अदर्स तो तीन का डबल करो उसको मल्टीप्लाई करो तो अठारह आ गई तीन में क्या करेंगे बताओ इसमें सिर्फ कौन काम करेगा इसमें प्राइवेट सेक्टर काम ही नहीं कर सकता है, ठीक है दूसरा बेसिक के अंदर 1948 में पॉलिसी आई तो उसके पहले अगर कोई प्राइवेट सेक्टर था जो इसके अंदर काम कर रहा है उसको बोला कि तुम कंटिन्यू करो लेकिन नया सिर्फ कौन करेगा पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर मतलब ये कौन गवर्नमेंट और ये जो अठारह इंडस्ट्री है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो है उसमें अठारह उस के लिए सिर्फ गवर्नमेंट क्या बनाती है रूल्स बनाती है प्राइवेट इंडस्ट्री काम करेगी और चौथे में दोनों कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है ठीक है अच्छा फिर हमने बनाया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट क्या बनाया हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया हम लोगों ने ठीक है कब बनाया ये 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कौन सा बेटा 1951 <coughs> बहुत बढ़िया ये एक्ट क्या करता है तो ये एक्ट सिर्फ इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंडस्ट्री को रेगुलेट इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट अच्छा ये एक्ट है पॉलिसी नहीं, पॉलिसी नहीं है पॉलिसी तीन ही है बेटा एक आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 और एक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 तो सर ये 1951 में क्या था अबे ढोकले 1951 में तो एक्ट आया था पॉलिसी कितनी है तीन एक्ट है वो एक तो एक एक्ट है और तीन पॉलिसी है तीनों पॉलिसी का ईयर याद रखना तो 1956 में हमने कौन सा लाया बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई फिर 1991 में भी हमने क्या लाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी और आप सबको पता है 1991 में क्या आ गया एलपीजी वॉट डू यू मीन बाई एल पी जी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हम्म लिबरलाइजेशन मतलब क्या बेटे लिबरलाइजेशन मतलब क्या बाबू बोलो लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल करना लिबरल करना मतलब रूल से रेगुलेशन को थोड़ा सा इजी बना देना फिर प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या प्राइवेट लोगों को एंट्री देना दिस इज व्हाट बेटा आपका प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फ्री कर देना उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन तो हमने यहां पे प्राइवेट रोक प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया तीसरी पॉलिसी अच्छा ये एफडीआई तो हमने पढ़ाई है अच्छा एस एस आई क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस एस आई मतलब कौन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो एस एस आई को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसके अंदर काम किया गया तो एस एस आई याद रखना और एमएसएमई का लिमिट देखो बेटा एमएसई बी का मतलब क्या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये पुरानी लिमिट थी ओल्ड लिमिट और ये रिवाइज नई लिमिट है इसको कट कर दो भले ही अब ये याद रखना आप नई वाली लिमिट हमको याद रखना है देखो इंडस्ट्री माइक्रो हो सकती है स्मॉल हो सकती है मीडियम हो सकती है एक कौन सी हो सकती है माइक्रो दूसरा कौन सा स्मॉल और तीसरा कौन सा मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड वॉट बेटा आपका मीडियम तीन टाइप की इंडस्ट्री हो सकती है उसका क्राइटेरिया देखो बेटा क्या क्या क्राइटेरिया देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का क्राइटेरिया सबसे पहले माइक्रो किसको बोलेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट कितना है एक करोड़ एंड टर्न कितना है लेस देन फाइव करोड़ एक करोड़ का क्या है एक करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और पांच करोड़ से कम का टर्नओवर है तो उसको माइक्रो में बोलेंगे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो मतलब छोटा मीडियम मतलब मतलब स्मॉल थोड़ा उससे बड़ा और मीडियम मतलब उससे थोड़ा और बड़ा ठीक है तो माइक्रो किसको बोलेंगे बताओ ये आपने कहीं और भी पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप में भी आएगा आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप पढ़ोगे तो माइक्रो मतलब क्या बेटा तो ऐसी कोई भी कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट कितना है एक करोड़ तक है ये और एंड टर्न ओवर कितना है पांच करोड़ तक है एक करोड़ पांच करोड़ तो ये कहा गया माइक्रो स्मॉल कब होगा जब आपका इन्वेस्टमेंट कितना है दस करोड़ तक है एंड टर्न ओवर कितने तक का है पचास करोड़ तक दस करोड़ पचास करोड़ बराबर है फिर यहां पे मीडियम में आपका इन्वेस्टमेंट बीस करोड़ तक का है एंड टर्न ओवर करोड़ तक का है दोनों लिमिट में होने चाहिए तो एक करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ पचास करोड़ इसको दस से मल्टीप्लाई कर दो है ना देखो एक लिमिट याद रखना एक लिमिट याद रखना हो जाएगा है <coughs> ना कैसे एक करोड़ दस करोड़ स्मॉल को दस से मल्टीप्लाई कर दो दस करोड़ और पांच को दस से मल्टीप्लाई करोगे तो पचास करोड़ और फिर जो सेकंड लिमिट आएगी उसको डबल कर देना टू से मल्टीप्लाई कर देना डबल कर देना तो दस का कितना बीस और यहां पे सो पचास का सो गॉट द पॉइंट और अगर आप सर्विसेस में काम कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट दस लाख से कम दो करोड़ पांच करोड़ दस लाख दो करोड़ पांच करोड़ दस लाख दो करोड़ पांच करोड़ ठीक है बस हो गया खत्म ही हो गया हमने उद्यम ई सरम एन एन सी एसा करके कुछ पोर्टल हमने लॉन्च किया है तो ये बहुत सारी कुछ पोर्टल वगैरह है बैलेंस ऑफ पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला एफडीआई वाला भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं दैट्स बेटा जी हाँ बोला क्या सर ने हाँ हाँ अभी कर दो अभी नहीं है वैसे क्लास नहीं है आज करवा दो अभी हाँ सर बस अभी रहने दो हाउ ठीक है ना भैया रहने दो ओके वैसे भी टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा वैसे भी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया वैसे भी मेरी जान ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा सर फ्लाई हो गया ऊपर से बेटा तो एक बार वापस से देखना शांति से ये लेक्चर शांति के साथ देख वापस ठीक है ना चलिए कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कल से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच गाइस लव यू गाइस बाय बाय सीया लाइक कमेंट शेयर तुम्हारी सासू कर देना जल्दी से और ये दीक्षा ढोकली बस बस कर रही है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का लिमिट याद कैसे रखोगे एक दस फिर दस से मल्टीप्लाई करोगे माइक्रो में 1 और 10 उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो एक का दस और पांच का पचास फिर डबल कर देना पीडीएफ भेज देता हूं मैं पीडीएफ भेज देता हूं ठीक है ना चलिए थैंक यू जी थैंक यू सो मच मैं भेजता हूं पीडीएफ आपको है ना एक मिनट रुक जाओ एयर ड्रॉप पहले मेरे इसमें लेने दो तो मेरे को फिर मैं भेज देता हूं आपको ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट सुड्रीम कल मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ तब तक के लिए सावधान